मैंने बंगाल की बात की, यूपी की बात जरा कर लेते हैं। यूपी में ये बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। वहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन है, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक है, बीजेपी के लिए हर राज्य में प्रचार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, योगी मैजिक, मोदी मैजिक, यूपी में कितनी सीटें? देखिए सुचारिता जी, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने बोला उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? तीन बार घुमा के सवाल पूछा आपने उनसे, ये हिम्मत नहीं हुई कि हम 17 में से 16 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, इधर उधर घुमाते रहे। एक आदमी, एक पार्टी, इनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 2014 में अर्णब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था, उस दिन से उस आदमी का एक ऐसा करियर खत्म हुआ है कि 2024 आ गया, 10 साल में उस आदमी से एक तो इंटरव्यू नहीं दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 77 इंटरव्यूज देकर बैठे हुए हैं, इनके पास बताने को कुछ नहीं है जनता के लिए, इनके पास सवाल लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ना, एक एंकर ने वाजिब सा सवाल पूछा कि जी आप उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? इतना ये होगा, वो होगा, इंडी जीतेगा। अरे भाई अपनी सीटों का बताओ, क्योंकि जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में अगर इस बार 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोनों की रैलियां मिला के भी अगर मैं बात करूं तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम है और इंटरव्यू तो जीरो है। तो भाई अगर आपके पास जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, पत्रकार जो सवाल उनके जनता के लेकर नेता के पास जाता है, आप उन सवालों को फेस नहीं कर सकते, इतने डरपोक हो आप। और उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो आपको सीटें मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, उत्तर प्रदेश के तो नाम में ही उत्तर है, हम हर चीज का जवाब देना जानते हैं, और इनके बस की एक भी पत्रकार का उत्तर देना नहीं है और इनको सीटें चाहिए। अब आगे 2019 के बाद, अच्छा मैं एक बार अजीज आपने सारा कुछ यूपी पे डाल दिया कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे पास आएंगे, तो अब अजीज खान साहब को बोलने दीजिए ना, वो नहीं बोल सकते कांग्रेस के लिए, आप उनके लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बोलेंगे। अजीज खान साहब मुझे बताइए, मैंने अभी चंद्रमोहन जी से बोला, नहीं नहीं अगर चंद्रमोहन जी अगर आपको ऐसे बयान देने हैं कि एक तरफा डिबेट है तो यू कैन चूज टू बी आउट ऑफ दिस डिबेट, मुझे ये बयान नहीं सुनने हैं। मैं हर एक के पास जाती हूं और जब मैं जाऊंगी तब आप जवाब देंगे, जब आप जवाब जाओगे चंद्रमोहन जी, मुझे नहीं नहीं मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं, मैं जब आपकी बारी आएगी आप तब आएंगे। सर मैं आपको बड़ी क्लियरली बता देती हूँ, मैं हर किसी के पास जाती हूँ और मैं रोटेट करती हूँ डिबेट, अगर आपको इस तरह के फिजूल बयान देने हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। मुझे अजीज खान साहब बताइए जरा, 63 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं, मैंने यही बात चंद्रमोहन जी से पूछी थी, यूपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका ऐसा लग रहा है सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अखिलेश यादव के कंधों पर यूपी का भार है, 63 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं, मुझे उसका ब्रेकअप बताइए जरा एक बार। सर आप लोगों का इंटरनल सर्वे जी, शिवम जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 70 इंटरव्यू दिया, मैंने कहा 10 साल में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, 70 इंटरव्यू इंडिविजुअल दिया कमरे में बैठ करके, और आप जैसे बड़ी पत्रकारों को उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी ओपन ग्राउंड में आकर के कभी भी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा 80 के 80 अगर जीत जाए बीजेपी तो अचंभा होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं दिन में सपना देखना भूल जाइए, मैं कह रहा हूं 80 के 80 हारने की स्थिति है, और यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि काशी भी आप हार रहे हैं, बहुत वहां वहां जो परिस्थिति पैदा हो गई है आज बीजेपी वही कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेके। तो उत्तर प्रदेश को तो आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ है। आपने कहा था सुचिता जी कि आप एक आंकड़ा दे दें, कैसे आप 300 पार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं और इसको नोट कर लीजिए, 1 तारीख को एग्जिट पोल और 4 तारीख को आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, इसे नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव, और आप ये जानिएगा कि उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। पहली बात जानिए, बिहार में जो 39 सीटें इनकी थी 39 की 39 से लूज कर रहे हैं, आज आप लगातार देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है, राजस्थान में बहुत खराब स्थिति है, जिस तरह ये लूज कर रहे हैं, ये खुद एहसास कर रहे हैं।
सबसे बड़ा लूज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी में माननीय एकनाथ शिंदे साहब अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में क्या स्थिति अब ये है? ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, जरूरत नहीं है। मैं इसलिए महाराष्ट्र पे, अब देखिए देखिए एक सेकंड, मैंने बंगाल की बात की, आई मूव टू यूपी, नाउ लेट मी गो टू महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की बात, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे अपनी बेटे की भी सीट नहीं बचा पाएंगे। अब देश जी जरा बताइए, महाराष्ट्र में जो बदला हुआ समीकरण है, यानी कि जो पार्टियां बदल गई, हमने देखा शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, वहां उद्धव गुट हो गया, फिर किस तरह से शरद पवार की पार्टी टूटी है, इन बदले हुए समीकरणों में महाराष्ट्र से क्या तस्वीर नजर आ रही है? एक बार अजीज खान को साफ करने के लिए थोड़ा उत्तर प्रदेश पर बोल देता हूँ, फिर महाराष्ट्र। बोलिए बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक सीट 2004 में 35 सीट, सबसे अधिक। ठीक, उस समय का दौर यह था कि उस समय उत्तर प्रदेश में फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दौर था, 93 से शुरू हुआ था, वो 2007 तक गया था। समाजवादी पार्टी को उस समय 26.71% वोट आया था, बसपा को 24.4% वोट आया था, बीजेपी को 20.5% था, कांग्रेस को लगभग 12.25% था। तो इतनी पार्टियों में वोट बटे हुए थे। उसके पहले और उसके बाद में कभी भी समाजवादी पार्टी 24 के ऊपर नहीं जा सकी है। तो ऐसा क्या हो गया है, खासकर नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो कि समाजवादी पार्टी उससे ऊपर उठ जाएगी। 2019 में दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर लड़ी, दोनों को मिला के 37% वोट आए। देश सुन ले सुचरिता, 37% वोट आए, लेकिन सीटें दोनों को मिला के 15 आई है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एंटी बीजेपी सारा वोट कंसोलिडेट हुआ, 32% वोट आए, लेकिन बहुमत नहीं पा सके। तो ऐसा क्या बदल गया है जिससे कि हमें मान ले कि भैया पूरा परिणाम पलट जाएगा? सब ये ध्यान रखिए कि 2000 सुन लीजिए अजीज खान से, 2024 का चुनाव परिणाम 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से जो एक स्थायी विभाजक रेखा देश में खड़ी हुई है वहां से शुरू हुआ है। देश को दो चीजें तय करनी है, आपको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है नहीं बनाना है, पूरी लड़ाई इसके इर्द गिर्द है, और देश का जो भविष्य का सपना है वो पूरा करना है। पर अब देखिए एक बात, मेरी बात पूरे देश में इसी के साथ आंकड़े आते हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो बहुत से लोग, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, तो सब ये मानकर बैठ रहे थे कि बीजेपी वापस आ रही है सरकार में, क्योंकि वो जिस तरह से पूरा प्रोजेक्शन था। चुनाव के बीच में आपको लगता है कुछ तो बदला है कि ये चर्चाएं हो रही है कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार हो रही है? क्यों ये चर्चाएं हो रही है? नैरेटिव, क्या ये सिर्फ बयानों से? नहीं नहीं, ये नैरेटिव होता है। इस समय आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर पड़ी है, सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर पड़ी है, और उसके कारण ये माहौल बना है, माहौल बना हुआ है ये इस माहौल का। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कभी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 400 सीट नहीं पा रहे? दो लोगों की बात का बीजेपी में मानता हूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं अमित शाह दूसरे स्थान पर पार्टी की रणनीति के अभी तो ये सब बयान, फिर अभी तो अमित शाह जी ने तो कहा कि हम 310 तो पांचवें चरण में पार कर चुके। बयान वर्सेस बयान हो गया ना, वो भी कह रहे हैं 300 ला रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप पत्रकारों, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, 300 ला रहे हैं। कांग्रेस की 52 सीटें थी ना, कांग्रेस 2009 में सबसे 300 सीटें यूपीए तब पाई थी जो कांग्रेस को 206 सीटें आई थी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के सीटें 150-100 सीटें कहां से बढ़ेंगी? 206 छोड़ दीजिए, एक स्टेट दो स्टेट मुझे बता दीजिए। अब साउथ की पर आते हैं, केरल में मैक्सिमम 19-20 में से 19 सीट इनके पास है, 15 कांग्रेस के पास है, ये ले लीजिए। तमिलनाडु में 39 में से 38 सीटें इनके पास है, मैक्सिमम इनके पास है, एक बार जहां गठबंधन है।